आपका बहुत बहुत थैंक यू जो हमारे कॉलोनी में आए एकदम एकदम। हमेशा हम लोग को इससे हिम्मत बढ़ा के सांप को जो मारा जाता था वो बंद होगा और इसको बचाया जा सकेगा। ये भी जीव है जो प्रकृति पे घूम सकता है और प्रकृति का अहम हिस्सा है ये हम लोग का अभिन्न अंग है हमारे प्रकृति का। इसको रहना जरूरी है, मारना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, एकदम सही बात। इसके लिए बहुत थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मुझे भाई पहली बार हम लोग कॉलोनी में आए हैं जो इसका रेस्क्यू किया गया है, नहीं तो हम लोग इसे जानकारी के अभाव में रेस्क्यू नहीं हो पाता। हाँ हाँ हाँ। और आपसे इसका हो पाया। चलिए ठीक ठीक, चलिए बहुत बहुत आपका कोई भय नहीं लगा, आपने सीधे पकड़ा लेके चला है तो मुझे अपना आत्मविश्वास नहीं है। ये मेरा पढ़ाई है कि ये हम भी पकड़ सकते हैं। हाँ, आप भी पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रमेश राज, स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल से और आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और अभी अभी हम लोग जो है कि बीबीगंज हम लोग आए हुए हैं। इनके यहाँ कोई सांप छुपा है लेकिन पता नहीं विशाला सांप है विशिन सांप है, सर्च करने के बाद ही पता चलेगा। आइए सर्च कर देखते हैं। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, कॉमेंट करे और सब्सक्राइब करना न भूले। आइए देखते हैं दोस्तों। और सुबह से उठते ही समझिए कि हम लोग जो है कि जिंदगी मौत से हम लोग खेलना चालू कर देते हैं। आइए जाओ, ये हमारे साथ है, में है, ये मेरे साथ साथ में रेस्क्यू करेंगे। ये अच्छा, मेरा टोंग लिए हुए हैं, साथ में रेस्क्यू करेंगे। चलिए ठीक है, अब आप लोग निश्चिंत रहे, हम आ गए हैं, आपका भाई आ गया, आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, एकदम हम देख लिए। और जिस आप उस वैसे सांप से आप लोग डर रहे हैं, जिस सांप से जो है कि डरने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं। सब लोग कितना जो है कि दहशत में है, हो जाता है लोगों को। और चलिए हम निकालते हैं, उसके बाद आप लोग को इससे रूबरू कराते हैं। इधर आइए सुनो जी, यहाँ देखिए किस तरह से बैठा हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, और निकल नहीं पाया है इसलिए इस आपको अब हम लोग जो है पकड़ लेते हैं और इसको हम लोग सही सलामत जो है कि बाहर लेकर चलते हैं। चलिए आप लोग हट जाइए, हम लोग रस्सा निकाल लेते हैं, बहुत सारा जो है। चलिए आइए बाहर आइए, चलिए चलिए बाहर चलो। जी आइए बाहर आइए, बाहर हम लोग थोड़ा सा इसके साथ जो है कि हम लोग रूबरू होते हैं। चलिए इस सांप को हम लोग जो है कि रैट स्नैक बोलते हैं और अपनी भाषा में हम लोग इसे बोलते हैं धामिन सांप। और इसे कहीं कहीं जो है किसे घोड़ा पछाड़ सांप भी बोला जाता है और इसी सांप को जो है कि राजधानी एक्सप्रेस भी बोला जाता है। और इस सांप में जो है कि थोड़ा सा भी बैनम नहीं होता है, ये सांप जो है कि नॉन वेनमस होता है। ये सांप मुझे अगर काट ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत मिथ्या बातें हैं, जो पुराने बातें हैं, जो आप लोग बच्चे लोग जो सियान लोग हैं उनको पहले से बताया गया है, भ्रमित किया गया कि इसके पूंछ में विष होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये पूंछ मार दे तो मांस जो है कि गलना चालू हो जाता है। मारता है इस कारण से वहाँ पर, क्या क्या कोट मारता है। हाँ, प्रेशर से इन्फेक्टेड होता है वहाँ का भी, वहाँ का मसल वगैरह मसल वगैरह नहीं होता, ये होता है स्किन इसका जो है कि चमड़ा के है। तो इस पर हम मारेंगे ना तो चोट लगेगा, चोट के कारण। हाँ नहीं देखिए, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत जोर से चोट लगा मुझे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अब विष लग जाए। हाँ ये चोट लगेगा क्योंकि बहुत चाबुक से भी अधिक मजबूत ये होता है, तो चोट लगेगा तो दर्द होगा, लेकिन ये मेरा मांस गल जाएगा और सवेर में मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इससे। हाँ हाँ, डर से जो है ना कि अब जिसको पता नहीं उसको जो है कि पसीना आना चालू हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, तो हार्ट अटैक आ जाएगा, सो लग जाएगा कि हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन बात कहाँ आ जाता है कि धामी सांप उसको पूछ से मार दिया इसलिए वो मर गया। और ये सांप जो है कि बहुत ही मिलनसार भी होता है और ये सांप हमेशा काटता भी नहीं, लेकिन कभी कभार बाइट कर लेता है। ये ऐसा नहीं है कि बाइट नहीं करेगा। गूगल पर सर्च किए तो नंबर मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
वाजिब है। नहीं ना, ये सांप है ना, ये हम जान रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग नहीं जान रहे थे, तो हम लोग का मोटो भी यही रहता है, यही बहाने लोगों को हम बता दें। इस बात के लिए आपने जो टाइम दिया उस टाइम में पहुँच गए। जी नहीं, हाँ उस टाइम में हम पहुँचेंगे ही, क्योंकि मैं यहाँ रेस्क्यू कर रहा हूँ। अरे आपके यहाँ सांप है तो हम झूठ नहीं बोल सकते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ये आप मेरे आशा में है ना, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम नहीं। चलिए हाँ देख लीजिए, आ रही नहीं कुछ नहीं, मेरा हम पे नहीं, ये आप पर भी नहीं, ये बिहार सरकार के द्वारा ये संरक्षित है, ये जो है ना कि चूहा खाने के लिए कोई भय नहीं लगा, आपने सीधे पकड़ा लेके चला है, तो मुझे पता है कि काटेगा, मैं नहीं मरूंगा। आत्मविश्वास है? हाँ, आत्मविश्वास नहीं है, ये मेरा पढ़ाई है कि ये हम भी पकड़ सकते। हाँ, आप भी पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसकी सारी जवाबदेही मैं लेता हूँ। नहीं ना, एक मिनट, आप लोग हंसी नहीं, ये सारी जवाबदेही मेरी है, वीडियो के साथ अगर कुछ होता है तो मेरी जवाबदेही होगी, मैं मेरे कारण होगा ये। ये कोई आदमी पकड़ सकते हैं, इससे कहीं से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे चाचा जी हैं, डर नहीं रहे, हाँ पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बस ये डर नहीं रहे हैं, इसलिए ये पकड़े हैं, हम भी उसके साथ पकड़े, इसलिए यही डर हम मिटाना चाहते हैं लोगों में। जैसे कि होता क्या है कि यहाँ पे और सब लोग, हम लोग कैपेबल है, तो सांप काटेगा तो 1,000 रुपया हम डॉक्टर से दिखाकर हम संतुष्ट हो लेंगे, लेकिन जिसके पास कैपेबल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको अब ये सांप जो है ना कि पूछी से छू दिया। हाँ इधर दिखाई, आइए इधर आइए, आइए मेरे साथ। अब ये सांप पूछी से छू दिया, अब उसके कारण आप भयभीत हो गए, अब आपके आप जो है कि और आप जो है कि से डरे नहीं, डर गए, उसके कारण हार्ट बीट बढ़ गया, बस मौत सबसे अधिक उसी की होती है। आपका बहुत बहुत थैंक यू जो हमारे कॉलोनी में आए, एकदम एकदम, हमेशा हम लोग को इससे हिम्मत बढ़ा के सांप को जो मारा जाता था वो बंद होगा और इसको बचाया जा सके, भी जीव है जो प्रकृति पे घूम सकता है। हाँ, और प्रकृति का अहम हिस्सा है ये हम लोग का, अभिन्न अंग है हमारा, इसको रहना जरूरी है, मारना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, एकदम सही बात, इसके लिए बहुत थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मुझे भाई पहली बार हम लोग कॉलोनी में आए हैं जो इसका रेस्क्यू किया गया है, नहीं तो हम लोग इसे जानकारी का वहाँ में रेस्क्यू नहीं हो पाता। हाँ हाँ हाँ, और आपसे इसका होप है। चलिए ठीक ठीक, चलिए बहुत बहुत, आपका शुभ नाम भाई जी, आपका सुभाष मिश्रा जी, चलिए बहुत बहुत, हर्ष मिश्रा जी, चलिए एक शिक्षक हैं, चलिए और एक डॉक्टर के पुत्र हैं, ये एक डॉक्टर है, अच्छा यहीं के पुत्र हैं, अच्छा डॉक्टर है, पारू ब्लॉक में पदस्थापित है, जान बचा लेने के लिए बनाया, नहीं हो गया ठीक, हाँ चलिए इस आपको जो है ना कि कुछ प्रश्न वगैरह, अच्छा एक मिनट, चलिए स्नैक को जो है कि हम लोग सही सलामत रेस्क्यू कर लिया, और सही सलामत इसको हम लोग जो है कि जंगल में जाकर छोड़ देंगे, ताकि अपना जीवन जो है कि अपना बिता सके। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।